तो है गाइस वेलकम बैक। और इस वीडियो में मैं शेडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा शेडिंग के बारे में कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या टूल्स यूज़ करने होते हैं और कैसे शेडिंग करनी है रियलिस्टिक। ठीक है, तो इसका अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले वो आप जाके देखो, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा मेथड यूज़ किया है। तो सारी बातें आपको फर्स्ट वीडियो में पता चलेगी, तो पहले वो आप जाके देख लो, उसके बाद ये उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार्ट करूँगा शेडिंग और लिप्स शेडिंग करूँगा और ये टिथ को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और डिटेल में बताऊँगा किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो शेडिंग करने के लिए मैं जिन टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये है दो ब्रश जिसको मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग के लिए, और ये ब्लेंडिंग स्टाम्प बहुत पतला सा है, बारीक सा, तो बहुत ही बारीक वाली पोर्शन को मैं ब्लेंड करने के लिए यूज़ करूँगा। ये कॉटन आप यूज़ कर सकते हो उसकी जगह। ठीक है, उसके बाद ये मोनो ज़ीरो इरेजर आप इसको यूज़ कर सकते हो हाईलाइट के लिए, और हाईलाइटिंग के लिए एक और मैं यूज़ करूँगा जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जैसा रेफरेंस मैं देख पा रहा हूँ, वाइट जेल पेन। तो इसके बारे में बताऊँगा कभी की डिटेल में कि किस तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद ये 4B मैकेनिकल पेंसिल, 2B और ये HB, ये तीन पेंसिल का यूज़ होगा। तो इन इतने सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी शेडिंग करने के लिए। और स्टार्ट करता हूँ मैं लिप्स से। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो स्ट्रोक्स के डायरेक्शन होंगे पेंसिल के, वो किधर साइड होंगे। तो आप थोड़ा सा देखोगे कर्व टाइप का जा रहा है। तो एक और बात का ध्यान रखना है अगर आप शेडिंग कर रहे हो तो, कि आपको फोर्स नहीं अप्लाई करनी। बहुत लोग यही करते हैं कि डार्क शेडिंग होती है तो फोर्स अप्लाई करके उसको उस एरिया को डार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आपको डार्क करने के लिए क्या करना है, लेयर बाय लेयर। सबसे पहले मैं HB का लेयर डालूंगा, उसके बाद उसको ब्लेंड करूंगा, उसके बाद 2B से अप्लाई करूंगा, फिर 4B, अगर मुझे 8B का भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं वो भी अप्लाई करूंगा। तो मैं आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये पेंसिल जो है इसका भी यूज हो सकता है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत डार्क एरियाज़ भी हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करता हूँ लिप्स के एरिया से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्ट्रोक्स किस तरीके से हैं। तो जो आपको हाईलाइट दिख रहे हैं उसको आप चाहो तो उसको आप पहले हाईलाइट कर सकते हो 2B या HB पेंसिल्स के हेल्प से। तो मैं पहले वही कर लेता हूँ डिटेल में जाके। ओके गाइस, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है हाईलाइट। मैंने मेन पोर्शन को मैंने कवर किया, डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, ये बाकी बाद में हेल्प करे उसके लिए। तो इसके बाद ये ड्रॉ करने के बाद हम सेड करेंगे लिप्स को, इसको बिना ब्लेंड किए, बिकॉज ब्लेंड करने के बाद ये जिस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे पोर्शन को जो है सेड करेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले तो HB पेंसिल, जिससे मैं फर्स्ट लेयर डालूँगा इसके ऊपर। और स्ट्रोक्स आपको जिस डायरेक्शन में दिख रहा है ना वो लाइनिंग, उसी डायरेक्शन में डालने, मतलब किधर भी नहीं डालना। ओके गाइस, फर्स्ट लेयर मैंने डाल दिया है, अब हम करेंगे ब्लेंड। तो मैं उसके लिए ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, स्मूथ है बहुत और इससे बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाती है। तो मैं इसको ब्लेंड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल लाइटली ब्लेंड करना है आपको, ज़्यादा इसमें भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है।
ओके, तो हमने ब्लेंड कर दिया है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे आप देखो ये जो पोर्शन है बहुत डार्क है, तो हमें एक लेयर और देनी होगी जो कि हम देंगे 2B या 4B का। तो मैं 2B का ही देता हूँ, उसके बाद हम बेसिक टेक्सचर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो अभी सेकंड लेयर में देता हूँ। ओके, तो सेकेंड लेयर हो गई हमारी कंप्लीट, और अब इसको मैं वापस से ब्लेंड करूँगा। मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए मैं ये कॉटन आप यूज़ कर सकते हो, और हल्के प्रेशर से, हल्के फोर्स से इसको बस ब्लेंड कर देना है। ओके, तो दो लेयर हो गई हमारी कंप्लीट, और अब मैं यूज़ करूँगा ये 4B मैकेनिकल पेंसिल, उसको और जो डार्क एरियाज़ हैं ये वाले, उसको और डार्क करने के लिए टेक्सचर के साथ, बिकॉज लिप्स पे जो रिंकल्स हैं वो दिखने चाहिए। तो टेक्सचर के साथ मैं यूज़ करूँगा डार्क करने के लिए। और यहाँ पे अगेन आपको प्रेशर अप्लाई अभी भी नहीं करना है, ठीक है? मैं कब करना होगा, कब करना रहता है, तब मैं बता दूँगा। तो फ़िलहाल मैं प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल से प्रेशर के साथ मैं इसको यूज़ करूँगा, और जो डार्क एरियाज है उसको और डार्क करने की कोशिश करूँगा। इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से अब डार्क एरियाज बचे हैं, ठीक है? उसको हमें उसी के टेक्सचर में डार्क करना है। ओके, तो थर्ड लेयर हमने बना दी है, और उसमें उसके साथ साथ मैंने टेक्सचर भी दिया है, जो यहाँ पे मुझे डार्क ज़्यादा लग रहा था वो मैंने बनाया है। और मैं इतने पोर्शन को अभी मैं कंप्लीट बनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूँगा उसी के जैसे ही, क्योंकि पूरा करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि थर्ड लेयर के बाद, दो या तीन लेयर के बाद आपको ये यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ इससे थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाता है, और जो है और भी अच्छे तरीके से जो पेंसिल है वो ब्लेंड हो जाती हैं, तो और रियलिस्टिक दिखता है। तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट मैं तो यूज़ करता हूँ, और करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये 2B पेंसिल, और ये टोम्बोय का मोनो जीरो इरेजर। इसको मैं थोड़ा सा नाइफ से काट के और शेप में कर लेता हूँ। ओके, तो जहाँ जहाँ मुझे वाइट हाईलाइट दिख रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ वो बनाने की। ओके गाइज, अब हम यूज़ करेंगे ये रेड वाइट जेल पेन हाईलाइट के लिए।
तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रोक्स जो है वो किस तरीके से लगाने हैं। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा 4B पेंसिल और मैं आपको बताता हूँ। तो आप रेफरेंस में देख सकते हो कि जो स्ट्रोक्स हैं वो स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर्स हैं लिप्स में। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो जो आपको टेक्सचर दिख रहे हैं, लाइंस दिख रहे हैं डार्क, वो उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको ऐसे यूँ इस तरीके से राउंडेड स्ट्रोक्स लगाने हैं, ठीक है, स्ट्रेट मत लगाना, बिकॉज उससे जो सेडिंग होगी वो फ्लैट हो जाएगी और बिल्कुल भी लिप्स की तरह वो नहीं दिखेगी। तो आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाने हैं और पेशेंस रखना है, इस मामले में बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और लेयर बाय लेयर हम लोग डार्क जाएंगे। अभी मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करूँगा ताकि और डार्क हो सके। ओके, तो अब हम यहाँ पे हाइलाइट्स ड्रॉ करेंगे ये पोर्शन को। इस पोर्शन में जो वाइट हाइलाइट्स है वो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं ये टोम्बोय का मोनो जीरो इरेजर। इसके बाद जो फाइनल हाइलाइट्स देंगे वो हम देंगे इसके थ्रू, ये वाइट जेल पेन। तो पहले मैं टोम्बोय से जो भी इरेज हो पाता है जो पोर्शन उसको मैं इरेज करता हूँ। तो अपर लिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम कवर करेंगे ये टिथ वाले पोर्शन को और ये उसके नीचे जो पोर्शन है पूरा डार्क वाली ही इस एरिया को हम कवर करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ब्रश में लूँगा, ब्रश का यूज़ करूँगा और टिथ के पूरे एरिया को मैं बराबर से ब्लेंड कर लूँगा, शेड कर लूँगा। ओके, तो हम अब ये पोर्शन जो है जो टिथ पे साइनिंग आ रही है वो अब हम बनाएंगे और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये मोनो ज़ीरो इरेज़र और ज़रूरत पड़ी तो ये वाइट जेल पेन।